उधर झारखंड में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। बाकी चरणों के लिए तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी से निपटना है तो केंद्रीय नेतृत्व तो बैक टू बैक रैलियां कर रहा है और इस चुनावी युद्ध में अमित शाह ने चुनावी रैली से राहुल गांधी को ललकार दिया। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और यहां बाकी चार चरणों के लिए प्रचार के लिए तमाम दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। महाराष्ट्र में सियासी गच्चा खाने के बाद बीजेपी यहां हाई पावर प्रचार में लगी है और इसीलिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने रैलियों के जरिए अपने चुनावी रथ को झारखंड में दौड़ा रखा है। झारखंड में बैक टू बैक रैलियों का रथ चक्रधरपुर और बहरागोड़ा पहुंचा। शाह ने यहां चुनावी रैली करते हुए भारत माता की जय का नारा लगाया। इसके बाद उन्होंने आदिवासी नायकों को नमन किया और अपने भाषण की शुरुआत की। शाह ने बीजेपी की उपलब्धियों का जिक्र तो किया ही, साथ ही मंच से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सीधी चुनौती भी दे डाली। शाह ने कहा कि राहुल बाबा, जब मर्जी आप अपने शासनकाल का हिसाब किताब लेकर मैदान में आ जाओ। मैं आज श्री राहुल गांधी यहाँ पर है, उनको चैलेंज देने आया हो कि राहुल बाबा, आपके 55 साल का शासन, हमारे 5 साल का शासन, हिसाब लेकर मैदान में आ जाओ। हमने 5 साल के अंदर एक प्रकार से विकास की गंगा को आदिवासी के घर में, पिछड़े समाज के, दलित समाज के घर में पहुंचाने का काम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सवालिया लहजे में जनता से जुड़ते हुए कहा, कितने सालों तक भगवान बिरसा मुंडा का स्मारक बनाने की किसी को नहीं सूझी। बीजेपी की सरकार ने उनकी जन्मस्थली और उनकी कर्मस्थली पर उनके सम्मान में स्मारक बनाकर भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार और रघुवर सरकार ने झारखंड के अंदर से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक कर यहां विकास का रास्ता प्रशस्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और दूसरी ओर कौन है? कांग्रेस और हेमंत सोरेन जी। मैं श्री हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहता हूं कि भैया हेमंत जी, जब गुरुजी आंदोलन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी झारखंड राज्य की रचना का, तब झारखंड के युवाओं पर गोलियां चलाई जाती थी, डंडे बरसाए जाते थे, वो कौन पार्टी करती थी? वहीं अमित शाह ने झारखंड में मोदी सरकार की ओर से कराए गए विकास कार्यों, जैसे एम्स, जमशेदपुर में एयरपोर्ट, रांची में कैंसर अस्पताल, हजारीबाग, पलामू और दुमका में मेडिकल कॉलेज बनाने और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ देने का जिक्र भी किया। शाह ने राजनीतिक विरोधियों पर टिकट वितरण में खरीद फरोख्त और आदिवासियों के शोषण करने का आरोप भी लगाया। झारखंड को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं कि जो पार्टियां टिकट बांटने में खरीद फरोख करती हो, जो पार्टियां आदिवासियों का शोषण करती हो, जो पार्टियां झारखंड की रचना के विरोधी हो, जो पार्टियां अरबों खरबों का भ्रष्टाचार करती हो, वो पार्टियों को वोट देकर झारखंड का विकास नहीं हो सकता। आपको बता दें कि झारखंड के चक्रधरपुर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा, जबकि बहरागोड़ा से कुणाल षडंगी प्रत्याशी हैं। फिलहाल झारखंड में बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा फैक्टर है, या यूं कहें कि सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को केंद्रीय नेतृत्व की सक्रियता कितना चित कर पाएगी, ये चुनावी नतीजों के बाद साफ हो जाएगा। टीम राजनीति।